आज नवसृजित विकासखंड सहसों के शिलान्यास समारोह के अवसर पर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, जिनका भी आपने उद्बोधन सुना, आदरणीय केसी देवी पटेल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्हें इसके पहले आप सुन चुके हैं, आदरणीय प्रवीण पटेल जी, फाफामऊ के विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान विक्रमाजीत मौर्य जी, जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए आदरणीय डॉक्टर बी के सिंह जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अश्वनी दुबे जी, हमारे दो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, जो श्री अमरनाथ यादव जी, आप सब जन जन यहाँ परिचित हैं, दूसरे अवधेश गुप्ता जी जो शहर में रहते हैं, दोनों हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक श्री दीपक पटेल जी, श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, और जो ब्लॉक की बिल्डिंग बनने से पहले ब्लॉक प्रमुख के रूप में यहाँ के आप सबके आशीर्वाद से क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने अवसर दिया। अभी मुझसे कह रहे हैं कि हम तो फूलपुर वाला ब्लॉक बना करके आए, हमने कहा आपके जिले बनाने का काम देना हो रहा है। तो ऐसे श्रीमती बीता सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख पति के रूप में, जिनका अभी संक्षिप्त उद्बोधन सुना आपने, राकेश बहादुर सिंह जी, जिस ग्राम सभा में आज यह ब्लॉक का परिसर, जिसका भूमि पूजन थोड़ी देर में होना है, बनने जा रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन विजय लक्ष्मी सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष द्वय आदरणीय श्री अमरनाथ तिवारी जी, आदरणीय कन्हैयालाल पांडे जी, प्रयाग महानगर के महामंत्री वरुण केसरवानी जी, क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, और यहाँ पर क्षेत्र के और जिले के कई सभी मोर्चों को मैं देख रहा हूँ, फौज इस समय तैयार हो गई है, चाहे युवा मोर्चा, चाहे महिला मोर्चा, चाहे पिछड़ा मोर्चा, चाहे अनुसूचित मोर्चा, मोर्चे की एक फौज तैयार हो गई है। ऐसे सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भविष्य भी हैं मोर्चों के पदाधिकारी, ऐसे अपने सभी मोर्चे के पदाधिकारियों का मैं दिल से सबका नाम लेने में, मैं जानता हूं गर्मी बहुत है और देर से आप बैठे, तो ऐसे सभी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी टीम, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी मंडलों के सम्मानित अध्यक्षगण और उनकी टीम, और विशेष तौर से आज यहाँ मातृशक्ति, मुझे माताएं बहने बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो मैंने कहा देखिए अब दिखना चाहिए भी, क्योंकि जब आपकी लोकसभा की सांसद महिला है, आज जो ब्लॉक प्रमुख महिला है, और थाना पूर्व ग्राम की जो हमारी प्रधान है वह भी महिला है, तो तीन तीन या त्रिवेणी यहाँ पर मौजूद है, तो आप सब भी, तो मैं देख रहा हूँ शायद पुरुषों से ज्यादा संख्या आज यहाँ महिलाओं के लिए एकत्र है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो भी आज इस शिलान्यास समारोह में तहसील के, जिले के, ब्लॉक के अधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्रों, दो बातें मैं पहले कह करके अपनी बात को शुरू करूंगा। एक विषय तो ये लगातार, चाहे विधायक जी, चाहे सांसद जी, चाहे हमारे श्री अमरनाथ तिवारी जी, जिलाध्यक्ष अश्वनी जी, सब लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि कुछ गांव ऐसे सहसों ब्लॉक के अंदर जोड़ दिए गए जो बहुत दूर है, बहरिया के पास है, और जो बहुत सारे गांव हैं जो सहसों के पास हैं, दूर दूर हो गया है, मालूम है आप लोगों को? तो आपको मैं यह आश्वासन देकर के जा रहा हूँ, इसको हम ठीक करा देंगे।
इतनी गर्मी वहां से जा रहे थे। और एक और मुझे सूची दिया है, हमारा वो चिट्ठी दिया है हमारी ब्लॉक प्रमुख गीता सिंह जी और उनके पतिदेव ने कि एक सड़क उनके गांव यहाँ जो जाती है सासों से, सासों को दोबारा क्षेत्र चौड़ीकरण का 4 किलोमीटर का सासों से बगई खुद का, और इसको चौड़ीकरण के लिए कहा है जो लोकमार्ग विभाग के अधिकारी हैं। मैं चिट्ठी अभी दे दूंगा, अविलंब उसका आग्रम तैयार कर लें और उसको बनाने का काम विभाग के माध्यम से हम लोग कर देंगे। और आप सब से आज मेरा इतना ही, देखिए ब्लॉक कोई एक दिन के लिए नहीं बन रहा, ये आने वाली कितनी पीढ़ियों के विकास का आधार स्तंभ बनने जा रहा है। इस विकास खंड के बनने से आपको जो लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वो लंबी दूरी तय किए बगैर आपके गांव के निकट में विकास खंड यहां पर स्थापित हो रहा है, बड़ा मुश्किल था। या जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है यहां पर 2 ब्लॉकों का निर्माण शुरू है, एक तो त्रिवेदपुर धाम ब्लॉक का निर्माण हो रहा है, वो 50% से अधिक बन चुका है, और आज यहां का भी शिलान्यास हो रहा है और तीव्र गति से इसका निर्माण हो, इसके लिए पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। यहां भी मैं आप सबको कह करके जा रहा हूं। मेरे मन में आया करता है कि हम जब गंगा पार के अलावा यमुना पार जाए, चाहे कौशाम्बी जाए और बहुत सारे जिलों में, गंगा पार की 5 विधानसभा सीटें लेकिन तहसील 3 है, आने वाले समय में यहाँ तहसीलों की संख्या भी ब्लॉक की तरह बढ़नी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे क्या होगा जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण प्रस्ताव देंगे उस प्रस्ताव के अनुसार आगे हम काम करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है प्रदेश में भी है, और दोनों सरकारों का क्या लक्ष्य है, दोनों सरकारों का लक्ष्य है विकास करो विकास करो विकास करो, और विकास करने से किसको फायदा हो, गरीब को फायदा हो, मजदूर को फायदा हो, हमारी माताओं बहनों को फायदा हो, और इस तरह के काम तीव्र गति से चल रहे, और तीव्र गति से चलने वाले काम और तीव्र गति से चलते रहे, इसके लिए आपके सबके आशीर्वाद। जैसे 2014 में मैं यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनकर के आया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा था, मैं कल्पना नहीं करता था कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती वहां भाजपा कैसे जीतेगी, लेकिन यहां की जनता का मैं नमन करता हूं, यहां के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, यहां के नेतृत्वकर्ताओं को बहुत सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी विजय आपने 2014 में मुझे देने का आशीर्वाद दिया, वही विजय आपने 2017 में प्रवीण पटेल जी को और वहां फाफा गांव में विक्रमाजीत जी को, थोड़ी थोड़ी कमी हंडिया और यहां पर प्रतापपुर में रह गई थी, सुराव भी हमारे सहयोगी पार्टी के विधायक को आप सबने जिताया। मैं जरूर आज यहां पर यह कहकर के जाना चाहता हूं कि आपने जो आशीर्वाद दिया है ओट के रूप में, उसे मैं ब्याज मानता हूं, वो कर्ज मानता हूं, और इस कर्ज को ब्याज के साथ चुकता करना हम सब यहां जो भी जनप्रतिनिधि बनकर के गए हैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और आप भरोसा रखिएगा और आप विचार करिएगा, आज यहां से जाने के बाद विचार करिएगा, 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप बताइए कि 2014 से पहले जो किसानों को 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सालाना मिलती है, इसके पहले मिलती थी क्या मोदी जी के आने से पहले? और अगर कांग्रेस की सरकार होती है, सपा बसपा की सरकार होती है, तो उनका चरित्र क्या है? अगर 100 रुपया भेजेंगे तो उसमें 15 रुपया आपको मिलेगा और 85 रुपया वो स्वयं सब दलाल खा जाएंगे, लेकिन दिल्ली से भेजे और चाहे लखनऊ से भेजे, चाहे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, चाहे योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हम लोग जितना पैसा आपके लिए भेजते हैं आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, बताइए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, हाथ उठा बताइए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी और प्रदेश में भी डबल इंजन वाली सरकार बनाने का काम किया है। 2022 का चुनाव आने से पहले
मैं 2017 की याद दिला रहा हूं आपको। थोड़ी बहुत हो सकता है बीच में आपको परेशानी होती हो, लेकिन जो 2017 से पहले का समय याद करिए। क्या जितनी बिजली हमारी सरकार में मिल रही है उतनी बिजली सपा की सरकार में मिलती थी क्या आपको? जिस प्रकार की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय थी, ऐसा कोई गुंडा आपको धमकाता हुआ दिखाई देता है क्या क्षेत्र में? आज गुंडे चाहे फूलपुर लोकसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, छोड़ करके भागने के लिए बीवा से या तो जेल के अंदर भेज दिए जाए। क्या आप सबके आशीष सड़कों का जो जाल, मुझे बताइए, मैं नहीं कहता कि अभी सड़कें बहुत सारी अभी मांग आ रही, कोई 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की भी कहने लगा। पहले मुझे कहते थे सड़क बहुत खराब है और इसको बनवा दिया जाए, लेकिन आप बताइए या जो जिस मार्ग से हम लोग अभी आए हैं इस मार्ग को 2017 से पहले याद करिए क्या दशा थी, यहाँ से आने जाने वाले मार्गों की क्या दशा थी। अब तो गांव की तरफ मैं ही जाता हूँ, सूचित मैं ही करता हूँ, लेकिन जब सड़कें बनकर के तैयार देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे गांव में भी हाईवे बन गए। बने हैं कि नहीं बने हैं? ये सड़कों का निर्माण, बिजली की उपलब्धता, कानून व्यवस्था में सुधार और कोरोना का इतना बड़ा संकट, उसके बाद कोई भूखा न रहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सब जो गरीब है उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? महीने में 2 बार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण कोई गरीब आज भूखा नहीं रहने पा रहा है। तो आपके आशीर्वाद से जो कमल का फूल खिला था इसके कारण ऐसी स्थिति पर बनी हुई है। आप यहां पर बहुत सारे मेरे नए प्रधान अभी मुझे कई पत्र दिए हैं, आप याद करिए मोदी जी की सरकार आने से पहले का समय, एक गांव में 5 आवास आते थे या 10 आवास आते थे, लेकिन आज अनगिनत आवास आ रहे हैं। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हर गरीब के घर में भी शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा? और जिन मेरे यहां पर माताएं बहनें सर्वाधिक हैं, जिन मेरे गरीबों के घर में गांव में बिजली पहुंची थी लेकिन गरीबों के घर में बिजली पहले नहीं पहुंची थी, बिजली विभाग के लोग हर गरीब के घर में पूछ पूछ करके बिजली लगाने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं? या सब जो परिवर्तन आया आप सबके आशीर्वाद से, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के कारण आया। और मैं आप सबको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव के लिए, नगरों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है। यह जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं इनको यह राश नहीं आ रहा, उनको लगता है कि इतना पैसा जो दलालों के जेब में जाना चाहिए वो गरीबों के खाते में कैसे जा रहा है। और इसलिए वह सब मोदी जी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, 2022 में जातिवाद की राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन मैं उनको यह जरूर फूलपुर की धरती से कहना चाहता हूं कि फूलपुर में कमल का फूल खिल गया है। फूलपुर लोकसभा 700 में, और जो हंडिया लोग, जो हमारी भदोही लोकसभा जिसमें 2 विधानसभा हमारी प्रतापपुर हंडिया पिछली बार जीतने से हम वंचित रह गए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 के चुनाव में सभी 5 सीटों में कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा कि नहीं बता दो, खिलेगा कि नहीं? आप सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हुआ आप सबको भरोसा दिलाता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारे काम जो होने थे पूरे कर दिए, अभी तो हमें 4.5 साल हमारी प्रदेश में सरकार को हुआ, हमें पूरा भरोसा है अगली बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब गुंडागर्दी की वापसी नहीं होने दी जाएगी, भ्रष्टाचार करने वालों को सत्ता की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। जो गुंडे अपराधी हैं उनकी जगह जेल में होती है, गरीबों को, किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को सताने की छूट उनको नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं 2022 के लिए, बीच में मैं बहुत बार आऊंगा, आज के कार्यक्रम में यह 700 ब्लॉक का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है। मैं यहां के सभी आप सब जनता जनार्दन को, यहां सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण को, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं इस ब्लॉक की सौगात सुपुर्द करते हुए बधाई देता हूं।
एक आदर्श ब्लॉक के रूप में सातों ब्लॉक का निर्माण करिए, विकास करिए। सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आप भरोसा दिलाते हुए आप सब भारी संख्या में भीषण गर्मी के बीच में भी आए, आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बारी को देता हूं। बिहार बोलिए जय।